أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد

शुरू करने लगे हैं और तीसरा बाब ये है कि बाब अलखफ मिन शिरक इस बाब में किस चीज़ का तस्करा होगा इस चीज़ का तस्करा कि शिरक से डरते रहना चाहिए शिरक से खौफा रहना चाहिए यानी कि इंसान डरता रहे कि कहीं मैं शिरक में वाकई ना हो जाऊँ कहीं मैं शिरक में मुबतला ना हो जाऊँ ऐसा ना हो कि मुझे पता ही ना चले और शिरक का इरतकाब कर बैठूं। तो शिरक के मामले में हमेशा लड़ते रहना चाहिए ये नारा नहीं लगाना चाहिए कि मैं पक्का तोहैदी हूं और मैं कभी शिरक में मुबतला नहीं हो सकता या मुझसे शिरक सरजद नहीं हो सकता तो ये तीसरा बाब है इस किताब का इससे पहला बाब क्या था बाब नंबर दो बाब मन बाप मनहक तोहीद दखल जन्नत बगैर हिसाब कि जिसने तोहीद के तकादे पूरे किए तोहीद का हक अदा किया वो जन्नत में बगैर किसी हिसाब के दाखिल होगा और पहला बाब क्या था पहला बाब था बाब फ़गल तो मायुकफ्रमिनूब तोहैद की फ़दीलत उसका मुकाम व मरतबा उसकी शान और कौन कौन से वह गुनाह हैं जिनको तोहद ख़त्म कर देती है मिटा डालती है तो पहले तोहेद की फ़ीलत का बयान हुआ और फिर तोहद की बहुत बड़ी और सबसे बड़ी फजीलत यह बयान हुई कि जो तो के ऊपर मुकम्मल तौर पर हुआ वह जन्नत में बग़ैर किसी हिसाब के दाखिल होगा और अब उसके बाद क्या है कि जब आप तोहीद पे हैं आप तोहीद जैसे अजीम मकाम मरत को हासिल कर चुके हैं तो आप डरते रहें कि ये खजाना कहीं आपसे जाता ना रहे छिन ना जाए शैतान ये नेमत कहीं आपसे शैतान कहीं आपको इस नियमत से महरूम ना कर दे तोहीद जैसे सजीम खजाने की हिफाजत करें आपके पास बोर्ड बहुत बड़ी नेमत है बहुत बड़ा सरमाया है तो आप अपने आप को शिरक में मुबतला होने से महफूद रखें ये कैसे मुमकिन है जब आप को पता होगा शिर कहते किसको हैं, है शिर का माना क्या है शिर का मफहम क्या है तभी आप शिरक से बच सकेंगे जब आपको पता ही नहीं कि शिर किन किन चीजों को कहते हैं किन किन उमूर को कहते हैं किन किन अल्फाज को कहते हैं तो आप कैसे बच सकेंगे शिरक से जब आपने इलम ही नहीं लिया सीखा ही नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि शिर का मानो मफहम क्या है और शिर की अकसाम क्या है उसके बाद इमाम साहब कहते हैं तो यहां पे इबारत पढ़ने के दो तरीके हैं एक तो यह है कि आप कहें बाबुल खौफी मीना अल खौफी क्या बन जाएगा मुदाफिल है शिरक से डरने के बारे में यह बाब है वक़ुल्ला और अल्लाह की इस ऐद के बारे में बाब है जो आगे आ रही है दूसरा यह कि आप पढ़ लें बाबुन तो यह एक बाब है और फिर आगे पढ़ें अलखफ मीन शर्क तो या पढ़ ली बकौल्ला डरते रहने के बारे में और अल्लाह के इस फरमान के बारे में कभी व यकफर मादू नीमशा के बेशक अल्लाह तकफर नहीं बख्शेंगे किस बात को का बिही इस बात को कि अका शरीक किया जाए शरीक बनाया जाए बिही उसके साथ किसके साथ अल्लाह के साथ, अल्ला साथ. किसको किसी एक को अल्लाह तला नहीं बख्शेंगे इस बात को कि उसके साथ शरीक किया जाए किसको कोई भी हो यानी कि चाहे कोई नबी हो चाहे कोई वरी हो चाहे कोई फरिश्ता हो चाहे कोई जिन हो किसी को भी अल्लाह का शरीक बना दिया जाए अल्लाह को शराकत बिल्कुल पसंद नहीं है और जो अल्लाह ताला के साथ औरों को शरीक करेगा उसके लिए कोई मुआफी नहीं है वह यक फिर मादू नदाली का और वो बख्श देगा मादू नदाली का जो इसके अलावा है किसके अलावा शिर के अलावा कि जो गुना यशा जिसके लिए चाहेगा जिसको चाहेगा उसको बख्श देगा सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि इन यकफिर कि अल्लाह तला नहीं बख्शेंगे आयुष रखी ही इस बात को कि अल्लाह तला के साथ किसी और को शरीक किया जाए क्यों इस मामले में इतनी सख्ती आई है इसलिए कि यह अल्लाह तला के खास हक के ऊपर डाका डालना है अल्लाह का यह खास हक है कि अल्लाह की इबादत की जाए और इबादत में उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए तो जब आप अल्लाह के साथ इबादत में किसी और को शरीक करेंगे तो कोई माफी नहीं है इससे पता चला कि शिरक सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि बाकी तमाम गुनाहों के बारे में कहा जा रहा है कि अगर शिरक ना हो दीगर गुनाह हो तो अल्लाह चाहेंगे तो माफ कर देंगे चाहेंगे तो अजाब देंगे तो लेकिन शिरक के बारे में बता दिया कि अगर कोई शिरक करेगा तो उसके लिए कोई माफी नहीं है और इससे यह भी मालूम हुआ कि इस ऐत का बाप के साथ क्या है बाप क्या था शिरक से डरते रहना शिरक के बारे में टेंशन लेना कि कहीं मैं शिरक में वाकई ना हो जाऊं तो ऐत वाकई डरा रही है ईमान वालों को शिरक में वाकई होने से क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ किसी को शरीक किया तो कोई माफी नहीं है जहां तक तल्लुक है दीगर गुनाहों का बदकारी का चोरी का डाके का सूद का तो वहां अल्लाह चाहेंगे तो माफ कर देंगे और चाहेंगे तो माफ नहीं करेंगे अच्छा यहां पे अब एक सवाल पैदा होगा सवाल ये है कि अल्लाह ने एक और मकाम पे कहा है कि मैं सब गुनाहों को माफ कर देता हूं और यहां पे अल्लाह कह रहे हैं मैं शिर को माफ नहीं करता वो कौन सी ऐत है जिसमें अल्लाह ने कहा है कि मैं तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता हूं वो है सूरे जुमर ऐत नंबर त्रेपन फिफ्टी थ्री कुल आप कह दें अल्लाह के रसूल अली सलात अलीस्म से अल्लाह रबुल इजत कह रहे हैं कुल आप कह दें आप बता दें आप वादे कर दें याबादी ए मेरे वो बंदो जो अपने ऊपर गुनाह कर करके ज्यातियां कर चुके हैं हाथ से आगे निकल चुके हैं ला तक रहमत ला तुम्हारे गुनाह जितने भी हों अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना इन अल्लाह जनूब जमीया बेशक अल्लाह तला तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है इन नफ़ूर रहीम बेशक वो बहुत बख्शने वाला नहत रहम करने वाला है अब इस ऐत में जो हमारे पास है सूर निशा की एत नंबर अड़तालीस फोर्टी एट, एट इसमें कहा जा रहा है कि शिर अगर को करेगा तो कोई माफी नहीं है जुमर में कहा जा रहा है सब गुना माफ हो सकते हैं अब आम आदमी ये समझेगा कि शायद दोनों ऐतों में टकराव है दोनों का मफहूम एक दूसरे के खिलाफ है हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है क्यों क्योंकि सूरज निशा में तस्करा हो रहा है उस शख्स का जो फौत हुआ इस हाल में कि शिर कर रहा था शिरक से तोबा नहीं की कुफर से तोबा नहीं की और फौत हो गया और सूरज उम्र में जब अल्लाह तला कह रहे हैं मैं तमाम गुनाहों को माफ कर देता हूं तो उससे मुराद यह है कि अगर आप फौत होने से पहले ईमान ले आए कुफर शिर से तोबा कर लें तो अल्लाह सब गुनाहों को माफ करने वाला है तो सूर्य निशा में तस्करा है उस आदमी का जो शिरक पे फौत हो गया और सूरह जुमर में तस्करा है उस आदमी का जिसने फौत होने से पहले तोबा कर ली कुफर से भी शिरक से भी और ये जो मैंने गुजारिश की है दो ऐतों का मफहूम यह है इसकी तईद उस अदीज से भी होती है जिसे इमाम बुखारी वैद करते हैं जनाबी अब्दुल्लामां से नबी करीम सलम के पास कुफार आए मुशरकन आए कहने लगे आप जो बातें करते हैं जिस दीन की दावत देते हैं बड़ा अच्छा दीन है लेकिन जो गुनाह हमने किए हैं क्या वो मिट जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे अगर हम इस दीन को कबूल कर लें अगर हम ईमान ले लें अब्दुल्ला भी अब्बास कहते हैं ये वो लोग थे जिन्होंने जमाने कुफर में कत्ल किया कई लोगों को कत्ल किया कत्ल करने के मामले में से आगे निकल गए बदकारी में ममतला हुए बदकारी में से आगे निकल गए एक बार नहीं कई बार बदकारियां की तो अब ये फिक्रमंद हैं अपने उन गुनाहों के बारे में तो इन के बारे में यह आयत नाज हुई सूरह की आयत नंबर त्रेपन नंबर के इन अल्लाह मेरे बंदो तुमने गुनाह किए हैं बहुत किए हैं लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देता है तो इसे बतला सूरह जुमर उन लोगों के बारे में है जो कलमा पढ़ना चाहते हैं दीन कबूल करना चाहते हैं जिंदा हैं हयात हैं उनसे कहा जा रहा है कलमा पढ़ लो ईमान ले आओ तो को कबूल कर लो तुम्हारे सारे गुना खत्म हो जाएंगे और शुर निसाब में तस्करा हो रहा है उस आदमी का जो शिर के ऊपर फौत होता है खबरदार किया जा रहा है कि अगर शिर के ऊपर मौत आ गई फौत होने से पहले आप लोगों ने शिर से तोबा ना की कोई माफी नहीं है वह दाल के लिमैशाह और अल्लाह बख्श देगा उन गुनाहों को जो शिरक के अलावा है हर एक को नहीं फरमाएगा लिमैंग शाह जिनको अल्लाह चाहेगा इसका मतलब यह है कि जो तोहीद पे फौत हुआ शिरक पे नहीं था तोहीद पे था लेकिन तोहीद के साथ साथ कई गुनाहों का इरतकाब किया चोरियां की डाके डाले बदकारियां की क्या हुक्म है उसका अल्लाह तला कह रहे हैं कि इसका मामला मेरी मशीयत के तहत है मैं चाहूंगा तो माफ कर दूंगा और चाहूंगा तो अजाब दूंगा लेकिन यह आदमी बिल आखिर जन्नत में जाएगा क्योंकि तो पे है ईमान पे है मुसलमान है मोमन है ये जो आखिरी अलफा हैं कि शर के अलावा कुफर के अलावा दीगर गुनाह करने वाले उन्हें अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा चाहेगा तो अजाब देगा इससे पता चला कि खवारिज का और मोतजरा का अक़ीदा गलत है जो कहते हैं कि कबीरा गुनाहों से तोबा न की कबीरा गुनाह करते करते बग़ैर तोबा के फ़ौत हो गए तो जो इस हाल में फ़ौत होगा पक्का जहनमी है खवारज कहते हैं वो काफर है मुसलमान नहीं है और मोहतजरी कहते हैं इस्लाम से निकल गया कुफर में दाखिल नहीं हुआ लेकिन जाएगा जहन्नम में दोनों के नजदीक जाएगा जहन्नम या हमेशा जहन्नम में रहेगा जबकि अल्लाह तला कह रहे हैं कि शिर के अलावा दीगर गुनाहों का मुरतकब अल्लाह चाहेंगे तो माफ कर देंगे चाहेंगे तो अजाब देंगे तो खबारज का अकीदा गलत है और आज ये अकायद हमारे मुआशरे में मौजूद हैं आप ये ना समझा करें कि अकायद मौजूद नहीं है हमारे इस्लामी मुआशरों में इस्लामी इनकलाब का नारा लगाने वाले इस्लामी तहरीके चलाने वाले आम तौर पे यही सोच रखते हैं हुक्मरान काफर फौज के लोग काफर पुलिस के लोग काफर सब काफर क्यों क्योंकि जी सूद लेते हैं क्यों क्योंकि अवाम के हकूक पर डाका डाल रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि कबीरा गुनाहों का इरतकाब करने की वजह से अपने अपने हुक्मरानों को अपने अपने मुसलमान फौजियों को पुलिस वालों को क्या समझा जा रहा है काफर समझा जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए तो सही बात यह है कि जो कुफर शर्क पे नहीं है दीगर कबीरा गुनाहों का इरतक करता है वो मुसलमान है और उसके गुनाहों का मामला अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह चाहेंगे तो उसे मुआफ़ कर देंगे और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में चला जाएगा और अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो उसे पहले जहन में डाला जाएगा फिर फरिश्तों की शफात से या अम्बिया के नाम आलि मुस्तम की शफात से या मोमलों की शफात से या अल्लाह के फजलो करम से जहन्नम से निकलकर अजाब से निकलकर जन्नत में पहुंच जाएगा ये अल्लाह ने जो कहा है कि शिरक करने वाले के लिए माफी नहीं है इससे मुराद कौन सा शिरक है क्या इससे मुराद शिरक अकबर है या शिरक असगर है इससे मुराद छोटा शिरक है या बड़ा शिरक है शिर के असगर किसे कहते हैं शिरके अकबर कौन सा होता है शिरके अकबर वो जिसका इतकब करने वाला हमेशा हमेशा के लिए जहनम में जाएगा वो काफर है और उसके लिए कोई माफी नहीं है अगर वह शिरके अकबर पेफौत हुआ शिर के असगर क्या है छोटा शिरप शिर के अकबर बड़ा शिरफ शिर के असगर छोटा शिरक और इससे मुराद हर वो शिरक है जिसका तस्करा नसूस में आया अहादीस में आया जिसको शिर करार दिया गया लेकिन गौर किया जाए तो वो वह के अकबर तक नहीं पहुंचता कैसे पता चल चल, चल गया जी आपको कि के अकबर तक वो नहीं पहुंचता खुद हदीस में वजह आ गई कि शिरके असगर है जैसा कि रियाकारी है नमाज पढ़ना और इसलिए कि लोग मुझे हादी नमाजी कहें या किसी अदीस में शिरक का तस्कर आया लेकिन उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल नहीं है अशर्क नहीं है शिरक है बस तो वहाँ से भी मालूम हो जाता है कि ये शिरके असगर मुराद है शिर अकबर मुराद नहीं है या को और करीना होता है को और अलामत होती जिसे पता चल जाता है कि इस अधीस में जिस शिर का तस्कर आया है वह शिरके असगर है शिरकी अकबर नहीं है तो अब सवाल पैदा होता है कि इन अलाफुल शब ही में कौन सा शिरक मुराद है शिरक अकबर तो पक्की बात है लेकिन क्या इससे मुराद शिरक असगर भी है तो इसमें इख्तलाफ है यानी कि क्या शिरक असगर वाले के लिए भी यही वार्निंग है उसकी भी यही ददा है कि उसके लिए कती तौर पर माफी नहीं है तो सही बात यह है कि इससे मुराद शिरक अकबर है शिर असगर के मामले में इतनी इतनी बड़ी सजा नहीं है तो इन अल्लाह अब ऐत वादे हो चुकी कि ऐत खबरदार कर रही है कि शिर से बच के रहो क्योंकि अगर शिरक में वाके हो गए तो कोई माफी नहीं है आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पे आप रहते हैं वहां अगर करंट हो बिजली हो काबा हो तो कई दफा साइनबोर्ड पे लिखा होता है वार्निंग खबरदार ध्यान से आगे नहीं जाना करीब नहीं जाना आगे क्या है करंट है 110 या 220 वाला तो शिरक का मामला तो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है तो इसलिए शिरक से खबरदार किया जा रहा है कि बच जाएं बच जाएं बच जाएं उसके बाद इमाम मोहम्मद बिदुल्वाब्राहिम एक और ऐत लेकर आए हैं कहते हैं वकाल खलील और जिनाब इब्राहिम आई इस्लाम ने कहा जो अल्लाह के खलील थे खलील दिली दोस्त और वाकई इब्राहिम अल्लाह ताला के दिली दोस्त थे खुद कुरान करीम में आया है कि खलीला अल्लाह ताला ने तब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या बनाया था खलील बनाया था गहरा दोस्त बनाया था और हमारे नबी अली ने फरमाया सही हदीस है कि अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना लिया है गहरा दोस्त बना लिया है जैसे अल्लाह ताला ने इब्राहीम सलाम को अपना खलील बनाया था फिर फरमाया अगर मैं लोगों में से किसी को अपना खलील बनाने वाला होता तो मैं अबू बकर रदी को अपना खलील बनाता लेकिन अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना लिया यानी कि मेरा लोगों में अब कोई भी खलील नहीं है तो एक इब्राहिम इस्लाम अल्लाह के खलील हुए और एक जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खलील हुए तो ये अल्लाह के खलील जिनके खलील होने का तस्करा कुरान में आया वो क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए कहते हैं वजनुबनी वनी या अबुदल असनाम वजनुबनी और मुझे बचाना वाह को मैंने क्या और उजनुब बचाना नी मुझे और मुझे बचाना मुझे दूर रखना वह और मेरे बेटों को भी मुझे भी और मेरे बेटों को भी बचाना दूर रखना किस चीज से अन्नाबुदल असनाम इस चीज से दूर रखना इस चीज से बचा के रखना कि हम बुतों की इबादत करें इब्राहिम आयत नंबर पैंतीस थर्टी फाइव इब्राहिम अल इस्लाम ने जब अपनी अपने साहबजादे इसमाही को जो अभी दूध पीने वाली उम्र में थे उन्हें और उनकी वालदा को मक्का में छोड़ा अल्लाह के हुक्म से जहां खाने पीने की कोई चीज नहीं थी जहां सब्जा नहीं था बागात नहीं थे खजूरें नहीं थी पानी नहीं था लेकिन अपनी वाइफ को अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म से छोड़ दिया दीन कुर्बानियाँ मांगता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील क्यों करार पाए हैं अल्लाह के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं तो मुझे और आपको चाहिए कि हम भी अल्लाह के लिए कुर्बानियां दें अपनी औलाद को अल्लाह का दीन पढ़ने के लिए कुरान पढ़ने के लिए वक्फ कर दें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इनको छोड़ा मक्का में और जाने लगे तो तब अल्लाह ताला से चंद दुआएं की थी एक दुआ ये की थी कि रब्हाद आमिन शहर को मक्का शहर को अमन वाला शहर बना दे अमन अमान मांगा और साथ ही क्या मांगा वजनुबनी वनी या नाबुदल कि अल्लाह मुझे और मेरे बेटों को बुतों की इबादत से बचाना कौन कह रहे हैं इब्राहिम अलीम किसके बारे में दुआ कर रहे हैं अपने बारे में अपने बेटों के बारे में इस्माइल इस्लाम के बारे में इसहाक अली इस्लाम के बारे में इनके बारे में दुआएं हो रही हैं इससे अंदाजा लगा ले शिर कितनी खतरनाक चीज है जिससे बचने की दुआ अल्लाह के नबी इब्राहिम अलीसम कर रहे हैं मैं और आप अल्लाह रबुल्जत से दुआएं करते हैं अपनी औलाद के लिए क्या दुआएं हमारी या लाइन को रिज देना यान को डॉक्टर बना दे या ला इनको इंजीनियर बना दे या ज्यादा से ज्यादा या लाइन इनको कुरान का आफत बना दे दीन का आलम बना दे लेकिन यह खास कि मुझे और मेरी औलाद को शिर्क से बचा के रखना तो इससे अंदाजा लगाइए कि शिरक किस कदर खतरनाक है जिससे बचने की दुआएं मुवाहिदीन के इमाम अहले तो के इमाम जनाब इब्राहिम अली इस्लाम कर रहे हैं नबियों के बाप वो इब्राहिम इस्लाम जिनके बारे में अल्लाह ने क्या कहा है हम बाब में पढ़ चुके हैं इन इब्राहिम कान उम्मतन कान तनीफ़ा वलम यकुमशरक सुर नाहल ऐत नंबर एक सौ बीस वन ट्वेंटी कि इब्राहिम इस्लाम क्या थे अपनी ज़ात में अंजुमन थे एक उम्मत थे हमेशा अल्लाह की ताद करने वाले थे यकसू थे सिर्फ तोहेद के ऊपर थे दाए बाएँ नहीं थे और मुशर में से नहीं थे वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे और मेरे बेटों को बुतों की इबादत से बचाना तो पैगाम इससे ये मिला कि इब्राहिम अल जब ये दुआ कर रहे हैं तो दूसरे लोगों को जाए उनसे कहीं बढ़कर ये दुआ करनी चाहिए अच्छा असनाम किसको कहते हैं असनाम सनम उनकी जमा है एक लफज होता है अवसान वसन की जमा और एक लफज असनाम सनम की जमा तो असनाम यानी कि सनम किसको कहते हैं औसान यानी कि वसन किसको कहते हैं दोनों में फर्क क्या है तो सनम वो है जिसकी अल्लाह के अलावा इबादत की जाए और उसका कोई मुजस्मा हो उसकी कोई सूरत हो चाहे चेहरे के साथ हो चाहे चेहरे के बगैर हो तो ये क्या हो गया ये क्या हो गया सनम और एक है वसन ये भी वो चीज है जिसके ला के अलावा इबादत की जाए लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी कोई सूरत हो उसका कोई मुजस्मा बन सके मिसाल के तौर पे कबर की लोग इबादत करते हैं कई दफा तो कबर को क्या कहेंगे वसन कहेंगे और हमारे नबी अली अलीस्म ने कहा था अल्लाह मला कबरी वसन अल्लाह मेरी कबर को ऐसा वसन ना बनाना जिसकी इबादत की जाए तो वसन हर वो चीज जिसकी अल्लाह के ला इबादत की जाए उसकी कुछ सूरत हो या ना हो उसका कोई मुजस्मा हो या ना हो और सनम वो चीज जिसकी अल्लाह लवा इबादत की जाए और उसकी कुछ शक्लो सूरत हो इसलिए सनम को क्या कह देते हैं फिर बुध कह देते हैं यहां पर कहा है कि इब्राहिम अलीस्म ने कहा कि अल्लाह मुझे और मेरे बेटों को बेटों से मुराद कौन से बेटे हैं हकीकी बेटे या उनकी नस्ल में जो भी आंदा आए तो कुश्ल के नाम ने कहा है कि इससे मुराद हकीकी बेटे हैं और ज, जिनका यह मौकाफ है कि बेटों से मुराद हकीकी बेटे हैं फिर वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने इब्राहिम इस्लाम की दुआ कबूल की और ना वो शिरक में मुम्तला हुए बजाते खुद और ना उनके बेटे शिरक में मुबला हुए बल्कि खुद भी लोगों को शर्क से रोकते रहे तोहिद की दावत देते रहे और उनके बेटे भी यही काम करते रहे और जिन लोगों का ये मौकाफ है कि बेटों से मुराद सिर्फ हकीकी बेटे नहीं है बल्कि उनकी पूरी नस्ल है जो बाद में चलती रहेगी तो फिर वो कहते हैं कि इब्राहिम इस्लामी दुआ की जरूरत थी लेकिन कबूल नहीं हुई क्योंकि उनकी औलाद में आगे चलकर कई शिरक करने वाले आए मिसाल के तौर पर अहल मक्का ये इब्राहिम इस्लाम की नस्ल में से थे और नबी अलीस्म के जमाने में आम तौर पर शिरक में मुबतला थे उसके बाद हदीस वफील हदीस और हदीस में है अख वफू मा अकाफ अली को मुशरक असगद अखवाकू अख सबसे ज्यादा डरने वाली चीज इसको कहते हैं अफाल तफदील इसमें तफदील जैसे कहते हैं ना आहसन सबसे ज्यादा हसीन अजमल सबसे ज्यादा जमील और खूबसूरत अकबर सबसे बड़ा ऐसे अखवफ सबसे ज्यादा डरने वाली चीज मां अखाफू जिनसे मैं डरता हूं मां वो चीजें अखाफू के मैं डरता हूं इनके वो चीजें जिनके बारे में मुझे खतरा है अलैकुम तुम तुमसे यानी कि वो चीजें जिनके बारे में मुझे खतरा है कि तुम उनमें वाक हो सकते हो उनका इरतक कर सकते हो तुमसे वो सरजद हो सकती हैं तो माँ अखाफ वाली तुम वो चीजें जिनके बारे में मैं तुमसे डरता हूं उनमें से सबसे ज्यादा डरने वाली चीज सब ज्यादा डरने वाली चीज क्या अख़फ़ ये माना इसका हो गया अकवाफू मैं डरता हूं ये वाद मुतकल फिल्म मुदारे है तो अब मफहूम क्या हुआ कि वो चीजें जिनके बारे में मैं तुम तुम्हारे ऊपर डरता हूं तुम्हारे बारे में मुझे खतरा है तुम्हारे बारे में खौफ है उनमें से सबसे ज्यादा खौफ वाली चीज डर वाली चीज क्या है अशरकुल असगर शिरके असगर तो यहां नबीम के हदीस से पता चला कि शिरक दो तरह के होते हैं एक शिरके अकबर एक शिरके असगर यानी कि माई के नाम ने जो तकसीम बनाई है एक अकबर होता है शिरको होता है ये अपनी तरफ से नहीं है इस सदी से साबित हो रही है तो आपसे सवाल किया गया आपसे पूछा गया अनु उसके बारे में किसके बारे में शिरकअसकर के बारे में पूछा गया कि अल्लाह के रसूल आल्लाम शिरकअसकर क्या होता है फक तो आपने कहा अ दिखावा रियाकारी ये क्या है ये शिरके असगर है तो क्या शिरके असगर सिर्फ रियाकारी को कहते हैं दिखलावे को कहते हैं नहीं नबी अलीस्म ने शिरके असगर की अकसाम में से सबसे बुरी किस्म बयान की है वरना और भी अकसाम है मिसाल के तौर पर गैरुल्ला की कसम उठाना यह अकबर नहीं है क्या शिर कैसर है बदशगुनी लेना नहुसत लेना कि जब से हमारे घर में ये लड़की आई है तब से रिजक में कमी हो गई है मुसीबतें बड़ी हैं टेंशनें बड़ी हैं बहू को मनूस जानते हैं ये क्या शिरक असकर है या, बुद्ध का दिन हमेशा मेरे लिए मनहूस साबित हुआ है दिन को मनहूस जानना उससे बस बदशगुनी लेना यह क्या है शिरके असगर है किसी हिंदसे को मनहूस जानना उससे बस बदशगुनी लेना क्या है शिरके असगर है तो आप अली ने जब यह बताया है कि शिरके असगर रिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही है शिरके असगर इसका मतलब यह है कि यह शिरक असगर की अकसाम में से सबसे खतरनाक सबसे खबीस और कबी किस्म है शिरके असगर को शिर खफी भी कहा गया मखफी किस्म का शिर पोशीदा किस्म का शिरक और शिरक असर का ये नाम शिरक खफी मखफी किस्म का शिरक ये उस हदीस में आया है जिसे इमाम अब माजा बीर वैद करते हैं और उसका नंबर है चार हजार दो सौ चार फोर टू जीरो फोर और उसको शेखानी राह ने काबले कबूल हदीस करार दिया है चार हजार दो सौ चार दीश में आपके सामने रखता हूं रावी है इसके अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तहते हैं कि खराजा अलीना रसूल सला वसलम के नबी अलीलाम घर से निकलकर हमारे पास आए व नहनू नदा करूँ अलमसी हद जाल जबकि हम मसीहद जाल का तस्करा कर रहे थे फ़कला तो आप अलीस्म ने कहा अलाउ बकुम बे माह हुआ अख वफाली मिनल मसीहद्दतजाल क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊ जो मेरे नजदीक तुम्हारे लिए मसीह दज्जाल से भी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है मसीह दज्जाल यकीनन बहुत बड़ा शर है बहुत बड़ा फितना है लेकिन तुम्हें वो चीज ना बताऊं जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है अबू सर खुदरी कहते हैं कुल ना बला। हमने कहा बला क्यों नहीं बताइए अल्लाह के रसूल आलिम फरमाया अशरकुल खफी छुपा हुआ शिरक मखफी शिरक पुशीदा शिरक फिर आपने उसकी वजात की उसकी मिसाल दी रज़ुलू रदली के कोई आदमी नमाज पढ़ने खड़ा होता है फयुजी उस आता हो लेमा यदुल्न जब देखता है कि कोई आदमी उसको देख रहा है तो फिर ये अपनी नमाज को खूबसूरत बनाता है लंबी नमाज पढ़ता है प्यारी प्यारी पढ़ता है दाएं बाएं नहीं देखता क्यों कोई आदमी मुझे देख रहा है गोया कि अब नमाज को खूबसूरत बनाया जा रहा है किस रही किसी आदमी की वजह से किसी आदमी को दिखाने के लिए अल्लाह की वजह से नहीं तो ये चीज जो है ये दज्जाल के फितने से भी ज्यादा खतरनाक है क्यों क्योंकि दजाल तो खुला दुश्मन है उसका कुफर वादे है लेकिन रियाकार का यह अमल बजहिर नेकी है देखने वाला समझेगा बड़ी प्यारी नमाज पढ़ रहा है अल्लाह तला के लिए किसी बुद्ध को सजदा नहीं कर रहा चांद या सूरज की इबादत नहीं कर रहा जबकि उसके दिल में क्या है क्यों किसी आदमी की वजह से इतनी प्यारी नमाज पढ़ रहा है तो यह है मखफी और पुशीदा किस्म का शिरक और इसको शिरक सरायर भी कहा गया है उसका माना भी यही निकलेगा उसका मफहूम भी यही निकलेगा तो इसको शिरके असगर भी कहा गया शिरके खफी मखफी किस्म का शिरक भी कहा गया शिर शिर सरायर भी कहा गया सिर उनसे पोशीदा से, से गिलफत निकला है और शिरके सरायर वाली जो है वो सईब ने खुजेमा में आई है और उसका वहां पर नंबर है नौ सौ सैतीस नाइन थ्री सेवन तो अब पता चल गया हमें के लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ना यह क्या है शिरके शिरक है और शिरके असगर है अब आमाल में जो रियाकारी होती है उसके असरात क्या हैं किसी ने रियाकारी के साथ कोई अमल किया दिखावे के तौर पे किया अब उस, उसके अमल का बनेगा क्या तो माई के नाम कहते हैं कि देखना होगा जिस अमल में उसने दिखावा किया है रियाकारी इख्तियार की है वो अमल कैसा है वो मुतसिल किस्म का अमल है या मुनफसिल किस्म का मुनकते किस्म का एक अमल होता है मुतसिल जैसी नमाज है चार रखते मुतसिल हैं अलग अलग नहीं है और एक होता है अमल मुनफसिल मिसाल के तौर पर आप एक हजार रुपया लेकर निकले हैं गरीबों को देने के लिए सौ रुपया एक को दिया दूसरा सौ रुपया दूसरे फकीर को तीसरा तीसरे को यह अमल क्या हो गया मुनफसिल हो गया अलग अलग हो गया जो दूसरे फकीर को दिया उसका पहले फकीर को देने से कोई ताल्लक नहीं है तो जब अमल हो आपका कैसा मुनकते किस्म का तो उसमें अगर रियाकारी आ जाए तो नुकसान उसी अमल के उसी हिस्से को होगा जिसमें रियाकारी थी दूसरे हिस्से को नुकसान नहीं होगा हजार रुपया लेकर आप निकले थे सौ सौ रुपया दिया दस आदमियों को नौ सौ को देते हुए दिल में इखलास था अल्लाह को रादी करना मकसूद था जन्नत लेना मकसूद था जन्म के आग से बचना मकसूद था एक को देते हुए जेन में यह बात आई कि जिसको दे रहा हूं यह मेरे बारे में कहेगा बड़ा ये अच्छा आदमी है या जिनको पता चलेगा जो देख रहे हैं वो कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है तो ये सौ रुपया वाला जो एक सौ रुपया है हजार में से ये अमल जो है बातल है ये गलत है ये गुनाह है लेकिन बाकी जो नौ सौ रुपया दिया है वो अमल ठीक है लेकिन क्या ये तकसीम हम नमाज में कर सकते हैं नहीं नमाज की हर रखा दूसरे के साथ मुतसिल है जुड़ी हुई है अलग अलग नहीं है तो वहां पे क्या हुक्म होगा अगर तो आगाज से ही रियाकारी मकसूद है दिखलावा मकसूद है तो वो अमल बातल है मस्जिद में आए दो रखते पढ़ने लगे थे देखा मस्जिद में कोई चौधरी साहब बैठे हुए हैं मोहल्ले के मुआजद आदमी बैठे हुए हैं तो कहा बहुत अच्छा हुआ ये भी देख लेंगे कि मैं नमाजी हूं मैं कितना नेक आदमी हूं तो अल्लाह अकबर जब कहा शुरू से ही रियाकारी मकसूद है तो ये नमाज बातल है और ऐसे आदमी को चाहिए कि वो नमाज को तोड़े और नए सिरे से इखलास के साथ नमाज पढ़े और दूसरे नंबर पे रियाकारी ये होती है कि अमल मुतसिल है बीच में कहीं रियाकारी पैदा हुई है दूसरी रकत में जाके, पहली रकत के आखिर में जाके, तीसरी रकत में जाके, चौथी रकत में जाके, तो अगर तो उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है रियाकारी जेन में आई थोड़ी देर रही फ़ौर उसको झटक दिया शेता नदीम पढ़ा और दोबारा नीयत को साफ कर लिया तो इन श्ला नमाज ठीक होगी और अगर पहली रकत के बाद दूसरी तीसरी चौथी रकतें वो रियाकारी में गुजर गई इसी हाथ में सलाम फेरा तो जहर है कि फिर यह अमल बातिल है फिर यह अमल क्या है यह बातिल है तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप को शिर के असगर से भी बचाइए और ये अदीज तो साफ साफ बाप के साथ मुनासबत रखती बाप क्या था शिर से डरते रहना और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में जिन जिन चीजों का खतरा है उनमें से सबसे खतरनाक सबसे खौफनाक क्या है शिरकअसर है जब आपसे पूछा गया शिरकसर के बारे में कि वो क्या है तो आपने कहा था अरे दिखलावा यह हदीस कहां पे आई है इसको बहुत से अम हदीस ने रिवायत किया उनमें से एक इमाम अहमद हैं और मुसिन अहमद में इसका नंबर है तेईस हजार छ सौ तीस टू थ्री सिक्स थ्री जीरो और मुसन अहमद में यह हदीस कई दफा आई है ऐसे ही इसको रुआत किया इमाम बहकी ने शब्ल ईमान में और वहां पे इसके नंबर है छ हजार चार सौ बारह सिक्स फोर वन टू हदीस के रावी कौन से सबी हैं महमूद बिन लबीद रजियल्ला और इस हदीस को कई एक एमआ कम ने दुरुस्त करार दिया है इसकी नस्बत नबी अली की तरफ बिल्कुल ठीक है ये हुक्म कई एम क्राम ने लगाया उनमें से एक शेख हलमानी राहुल हैं उनकी जो मशहूर वर्ूफ किताब है सिलसरत जिसमें उन्होंने सही हदीस जमा कर दी हैं उसमें हदीस नंबर नौ सौ इक्यावन है ये जो अभी पढ़ी गई है नौ सौ इक्यावन नाइन फाइव वन

नबी सल्हलम ने फरमाया कि जो फौत हो इस हाल में ये वाहु हालिया है जो फौत हो इस हाल में कि वह वाहू यद हो कि वो पुकारता हो वो दुआ करता हो किससे निदन लिल्ला अल्लाह के किसी शरीक से किसी को अल्लाह का शरीक बना दिया निदन का लफ्जी बना दो होता है अलमिस लो अल्लाह जैसा किसी को बना दिया तो जो फौत हो जाए इस हाल में कि वो दुआ करता हो वो पुकारता हो अल्लाह के किसी शरीक को दाखल नार, तो ऐसा शख्स जहन्नम में दाखिल होगा आग में दाखिल होगा इस अदीस को रवैत किया किसने इमाम बुखारी ने, और नंबर है वहां पे इसका चार हजार चार सौ सतानवे फोर फोर नाइन सेवन तो एसदीसी भी पता चला कि शिर कितना खतरनाक है कि शिर का इतकाब करने वाला कहां जाएगा जहन्नम में जाएगा इससे ज्यादा शिर का खतरनाक होना और क्या होगा कि जन्नत से महरूम कर दे और जहन्नम में ले जाए वो जहन्नम कि जिसकी आग बर्दाश्त करना इंसान के लिए कतान मुमकन नहीं है हम तो दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते एक मिनट के लिए एक सेकंड के लिए चे जाए कि आखरत की आग को बर्दाश्त करें अल्लाह ताला हम सबको शिरक से महफूज रखे हमारी औलाद को भी शिरक से महफूज रखें तो के अल्फात क्या है कि जो फौत हुआ है साल में कि वो अल्लाह ताला के किसी शरीर को पुकारता था तो इसे पता चला कि जो फौत होने से पहले शिरक से तोबा कर ले उसका यह हुक्म नहीं है जल्लम में दाखिल कौन होगा जो गैरुल्ला से दुआएं करते हुए फौत हो जाए इस अकीदे पे फौत हो जाए तो यहां पे लफ्ज़ क्या बोला गया वह वह यज ओ वो पुकारता हो वह दुआएं करता हो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कलमा पढ़ते हैं लेकिन इसके साथ साथ फौज शुदा बुजुर्गो को पुकारते हैं उनसे दुआएं करते हैं या तो साफ साफ़ कहेंगे कि ए वली हमें बेटा दे हमें शिफा दे हमें रिजक दे हमें मुश्किल से निकाल नबी अली से कहा जाता है जनाब अली से कहा जाता है जनाबे हुसैन से कहा जाता है सईदा फातमा से कहा जाता है शेख रही महुला से ऐसे अल्फाज कहे जाते हैं पाको हिंद के जो बड़े बड़े दरबार और मजार हैं वहां पे जो लोग फौत शुदा हैं, मदफून हैं, उनको मुखातब करके कहा जाता है तो ये क्या है ये उनसे दुआ है और कुछ लोग जो अपने आप को तोहहीद पर समते हैं और समते हैं कि हम शिरक से दूर हैं वो क्या करते हैं वो कब्र वाले से बर रास्त बेटा नहीं मांगते रिजक नहीं मांगते शफा नहीं मांगते कहते हैं कि ये काम तो अल्लाह ही करता है लेकिन वो क्या कहेंगे कब्र वाले से कहेंगे आप अल्लाह से हमें ये लेकर दें आप अल्लाह से हमारे लिए इस मामले में रता करें आप हमारे इला के दरम्यान क्या बांध जाए वसीला बन जाए तो वसीले के नाम पर शफात के नाम पर वास्से के नाम पर कब्र वाले से दुआ कर रहे हैं तो दुआ तो हो गई पुकारा तो गया उसको और जब ऐसे लोगों को मना किया जाता है कहते हैं आप अपनी बेगम को नहीं पुकारते आप नहीं कहते कि बेगम रोटी लेकर आ खाना लेकर आ पानी लेकर आ तो गुजारिश यह है कि जो जिंदा हो मौजूद हो उसे पुकारना उस मामले में जो मामला वो हल कर सकता हो जिस मामले को हल करने की ताकत अल्लाह ने इंसानों को दे रखी उसमें कोई हर्ज नहीं है यह कुरान करीम से साबित है बीसलाम के आदि से साबित है साहब कलाम एक, एक दूसरे से तामन लेते थे अल्लाह ने कहा है, एक से करो नेकी के मामले में तकवा के मामले में अल्लाह कुरान में कहा अदूसलाम से मदद मांगी मूसा इस्लाम को मदद के लिए पुकारा किसने उस आदमी ने जो बनी इसराइल में से था उस आदमी के खिलाफ मदद के लिए पुकारा जो फिला की कौम में से था तो मूसा इस्लाम ने अपनी कौम के आदमी की, की चूंकि उस पर जुल्म किया जा रहा था मदद की और यह नहीं कहा कि तूने मुझे पुकारा है तो शिर किया है क्योंकि जिंदा मूसा इस्लाम को पुकारा गया था और उस मसले में जिस मसले में मदद कर सकते थे लेकिन जब आप किसी फौज शुदा को पुकारते हैं वो फौजुदगान जिनके बारे में अल्लाह ये कहता है को मांत में कबूर के जो भी कब्रों में है उन्हें आप अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते अल्लाह तला कहते हैं इन नकलास्मिल मौत आ फौज को आप अपनी आवाज में नहीं सुना सकते चे जाए कि वो नफा नुकसान के मालिक हों अल्लाह तला कहते हैं अमवात गई रुआया वो फोत हो चुके हैं जिंदा नहीं है वरून नहीं पता कि उन्हें कब उठाया जाएगा उन्हें तो ये भी नहीं पता तो अब भी आप इनको पुकारें इसका मतलब यह है कि आप इनको गैबी ताकतों का मालिक समझते हैं अल्लाह तला की तरह इनके आप यह अकीदा रखते हैं कि जैसे अल्लाह मुझे नजर नहीं आ रहा अल्लाह बजहिर मौजूद नहीं है लेकिन वो मुझे देख रहा है मेरी आवाज सुन रहा है मेरे हालात को जानता है मेरे सीने की बातों को जानता है उसे पुकारूं तो मेरी मदद करेगा और वो मेरी मदद करने पे कादर है चाहे नजर ना आए तो जब आप कब्र वाले को पुकारते हैं और वो मट्टी के नीचे दफन किया जा चुका है और दी से साबित होता है कि नफा नुकसान का मालिक नहीं है आप फिर भी पुकारते हैं इसका मतलब यह है कि आप समझते हैं कि ये भी अल्लाह की तरह गैबी ताकतों का मालिक है जैसे अल्लाह अर्श के ऊपर हैं, फिर भी मेरी आवाज सुनते हैं कब्र वाला मट्टी के नीचे है फिर भी मेरी आवाज सुनता है मेरे हालात को जानता है और सिर्फ सुनता नहीं जानता नहीं बल्कि मेरे हालात तब्दील करने पर भी कदर है तो इसीलिए दुआ को क्या करार दिया गया शिर करार दिया गया जब आप ये दुआ अल्लाह के कि अलावा किसी और से करें आप लें सूरह जिन की ऐतमर अठारह पढ़ें उसे एटीन व अनाजिद फ़ला तद्रो महदा अल्लाह तला कहते हैं कि ये मशने अल्लाह तला के लिए हैं फ़ला तद तुम दुआ ना करो तुम ना पुकारो मल्ला तला के साथ साथ आहादन किसी और को आहादन किसी और को ना किसी नबी को न किसी फरिश्ते को न किसी जिन को न किसी शहीद को किसी को भी अल्लाह के साथ पुकारने की जात नहीं है सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाएगा सिर्फ अल्लाह से दुआ की जाएगी या रसूल्ला मदद कहा जाएगा अल्लाह से मदद मांगी जाएगी और माजर के साथ या अल्लाह मदद कहा जाएगा अल्लाह से मदद मांगी जाएगी या रसूल्ला मदद क्या होगा ये अल्लाह को पुकारना होगा अल्लाह के नबी अली तमाम इंसानों में सबसे अफजल हैं सबसे अल्लाह हैं सबसे मुकदस मुतरम है लेकिन गैरुल्ला है या अली मदद जब कहेंगे तो जिनाब अली से हम मोहब्बत करते हैं आलि से मोहब्बत करते हैं जिनाब अली से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं लेकिन उन्हें पुकारना उनसे दुआ करना गैरुल्ला को पुकारना होगा और अल्लाह तला कहते हैं फलाम अल्लाह अल्लाह तला के साथ साथ किसी और को पुकारने की इजाजत नहीं है और आगे चले सूरह की आयत नंबर बीस वहाँ पर अल्लाह तला कहते हैं कुल ए नबी नबीम आप बयान करें अपना अकीदा आप वादे करेंगे बात क्या कि वला अहदा नहीं मैं अपने रब से दुआ करता हूं और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता इनके दुआ जब भी करता हूं रब से दुआ ये इबादत है इस इबादत में किसी और को मैं शरीक नहीं करता उसके बाद वाली मुस्लिम इन रदी और मुस्लिम शरीफ में है वो रवायत करते हैं जनाब जाबर रजी से अन्ना रसूल अल्लाह वसलम कल के बेश रसूल ला। सल्हुसलम ने फरमाया मन लकी अल्ला जो अल्लाह तला से मिले लाज शिको भी सैया इस हाल में अल्लाह तला से मिले मुलाकात करे कि उसके साथ किसी भी चीज़ को शर्क ना करता हो दाखिल जन्ना व जन्नत में दाखिल होगा अल्लाह से मुलाकात हर एक ही होनी है आखरत में हम सब का ईमान है जिसका इस पर ईमान नहीं वो मुसलमान नहीं है तो अल्लाह से मुलाकात अगर इस साल में हुई कि आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते थे तो जन्नत में जाएंगे अब जन्नत में जाएंगे इसका एक मतलब यह है कि बगैर हिसाब के बगैर अजाब के और इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि सत्तर हजार लोग बगैर हिसाब बगैर अजाब के जन्नत में जाएंगे और ये वो होंगे जो तोहीद का हक अदा कर देंगे और या फिर अल्लाह तला के साथ किसी और को शर्क ना करने वाला जन्नत में जाएगा लेकिन इब्तई हिसाब होगा सख्त हिसाब नहीं आसान हिसाब इनके बताया जाएगा तूने ये भी गुनाह किए ये भी गुनाह किए ये भी गुनाह किए और फिर अल्लाह माफ कर देंगे बगैर अजाब की जन्नत में जाएगा और या फिर अजाब भुगतने के बाद कबीरा गुनाह किए थे अजाब भुगतने के बाद जन्नत में जाएगा लेकिन जन्नत इंशाल्लाह उसकी पक्की है तो मन लकी अल्लाह जो अल्लाह तला से मुलाकात करे मिले इस हाल में कि अल्लाह तला के साथ किसी भी चीज़ को शरीक ना करता हो शही किसी भी चीज को ना किसी नबी को ना किसी फरिश्ते को ना जिन को ना दरख्त को ना पत्थर को ना कबर को तो दाखिल जन्न वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा वह मन लक़िया हो और जो अल्लाह से मिले युषु भी सैया इस हाल में कि अल्लाह तला के साथ किसी और चीज़ को शरीक करता रहा हो दाखिल ये आदमी जहन्नम में दाखिल होगा तो इस आखिरी हिस्से से बचला कि शिरक कितना ख़तरनाक है तो शिरक का इरतक करेगा शिरक उसे कहाँ लेकर जाएगा जहन्नम में लेकर जाएगा अब आइए फी ही मसाइल इस बाब में क्या मसाइल हैं क्या क्या मसले मालूम हुए अलूला पहला मसला अलखफ के शिरक से डरते रहना चाहिए शिरक से डरना यह पहला मसला मालूम हुआ। और यह मालूम हो रहा है इन आयात से भी जो इस बाब में आई है और उन अदीत से भी जो इस बाब में आई है आसानिया दूसरा मसला जो मालूम हो रहा है अन की रियाकारी शिरक में से है ये मसला कहां से मालूम हुआ इस बाब की पहली हदीस से कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा जिस चीज का खतरा है वो शिरक असगर है और जब पूछा गया कि शिर क्या है तो आपने कहा था रिया रियाकारी दिखावा तो दूसरा मसला क्या फिर अन्य रिया, रिया जो है ये शिरक में से है असाल इस तीसरा मसला असगर कि ये जो है इनके रिया दिखावा ये शिर के असगर में से है इनकी शिरके अकबर नहीं है बिल्कुल यही बात है और शिरके असगर इसके बारे में राजे कौल यह है कि शिरके असगर का इतकाब करने वाला हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं जाएगा जहन्नम में डाला भी गया तो किसी न किसी दिन जहन्नम से निकाल के उसे जन्नत में भेज दिया जाएगा क्योंकि शिरकी असगर है अकबर नहीं है चौथा मसला मसलाहू के बेशक वो वो क्या रिया दिखावा अन्हू अख मा मिनु माफू सालिहीन के ये रिया जो है ये दिखावा जो है उन चीजों में से जिनसे डरा जाता है नेक लोगों के मामले में उन चीजों में से सबसे ज्यादा खौफनाक है अकवफ सबसे ज्यादा खौफनाक मैं युखाफ मिन वो चीजें जिनसे डरा जाता है जिनसे डर लगता है किन किन की तरफ से डर लगता है सालीन नेक लोगों की तरफ से यानी कि नेक लोगों की तरफ से जिन गुनाहों का खतरा है उन गुनाहों में से सबसे खौफनाक गुनाह जो है वो क्या है रिया तो नेक लोगों के बारे में खतरा होता है कि कहीं रियाकारी में मुम्तला नमाजें तो पढ़ते हैं सदका तो करते हैं मस्जिदें तो बनाते हैं तलावतें तो करते हैं लेकिन खतरा यह होता है कि कहीं दिखावे के तौर पे ना कर रहे हों लेकिन ये बाइन में रहे जैसे ये जायज़ नहीं है कि आप किसी के देखने की वजह से नमाज को लंबा कर दें नमाज को खूबसूरत बनाएं ये भी द नहीं है कि आप इस वजह से नमाज गंदी पढ़ें कि लोग मुझे देख रहे हैं और मैं दिखावा नहीं करना चाहता नमाज इस वजह से आप मुख्तर कर दें कि लोग देख रहे हैं और मैं दिखावा नहीं चाहता नहीं आप अपने मामूल के मुताबिक नमाज पढ़ें शैतान हमला करेगा निगत को खराब करेगा आप औद बिल्ला पढ़ के बाई जानव तीन बार फूकें अलखामिसा पांचवा मसला जो मालूम हो रहा है इस बाब की आयात और आदीस से कि النار, जन्नत वन्नार जन्नत और जहन्नम का करीब होना यानी कि आप ये आखिरी नबीलाम के जो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे अल्लाह के, के साथ किसी चीज को शरीक ना करता हो जन्नत में दाखिल होगा और जो इस साल में मुलाकात करे कि अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक करता हो वो जन्नत में दाखिल होगा इसे पता जन्नत भी करीब है जहनम भी करीब है अगर अकीदे पे सही अकीदे पे रहेंगे सिर से बचकर रहेंगे तो जन्नत बड़ी करीब है सिर का इतकाब करेंगे तो जहन्नम बड़ी करीब है इधर मौत आई इधर जहनम में दाखिल होंगे असा दिसा छठा मसला अलजम बी हिमाफी हदीसन वाहिद इनके करीब होने को जन्नत और जहन्नम दोनों के करीब होने को एक ही में जमा किया गया बयान किया गया जमू जमा कर दिया गया बे भी भीमा इन दोनों के करीब होने को जन्नत जन्नत के करीब होने को फिर एक में कौन सी अदीस जाबिर असाविया सातवा मसलाहू युष रिकु भी मिन अनारन्स कि बेशक जो लक़ियाहू उससे मिले किससे अल्लाह ताला से जो अल्लाह ताला से मिले युशरिकु बैया इस हाल में कि अल्लाह के साथ किसी भी चीज को श्रीक करता हो दाखिल वो जहन्नम में दाखिल होगा अगरचे वो हो लोगों में से इबादत करने वालों में से सबसे बड़कर इबादत करने वाला बहुत इबादत करने वाला है लेकिन शिर करता है जहन्नम में जाएगा सब नमाजें जाया सब रोजे जाया सब जाया जाया सब तलावते कितना खतरनाक है तो ये कहां से पता चला क्योंकि दिसे जाबर में क्या आया है आखिरी हिस्सा वमन लकीू और जो मन जो जो जो, जो यानी कि कोई भी हो सबसे ज्यादा इबादत करने वाला हो या कम इबादत करने वाला कोई भी हो वमन लकीू जो भी अल्लाह से मिले मन उमूम के लिए है इस आल में कल्ला के कि साथ किसी चीज को श्रीक करता नार, हो दाखिल वो जहन्नम में दाखिल होगा आठवां मसला अलमसरतीम के अजीम सवाल यानी कि अजीम दुआ अल्लाह से अजीम सवाल अल्लाह तला से क्या सवाल है सवाल लहू वली वालिबनी विकयातम अजीम तरीन सवाल खलील अलीसलाम का सवाल करना लहू अपने लिए वाली बनी अपने बेटों के लिए क्या सवाल करना अल्लाह से बुतों की इबादत से बचने का सवाल वक़ाया बचना अलसनाम बुत, तो बहुत ये अजीम सवाल है इसको अमीयत देंगे आप भी इस अपनी आदत बनाएं इसको तो अलमसलदीम अजीम तरीन सवाल कौन सा सवाल है सवालल खलील अलीलाम का इब्राहिम का सवाल जो उन्होंने किसके लिए किया था लहू अपने लिए वाली बनी अपने बेटों के लिए क्या सवाल किया था वक़ाया तो बुतों की इबादत से बचने का और वो वहीं बनी वही वजनबनी वनीसलाम से यह मालूम हुआ आगे नवा मसला हो बिहाल इब्राहिम आलाम का इब्रत हासिल करना अक्सरीत की हालत को देख कर अक्सरीत की हालत को देख कर इब्राहिम इस्लाम ने इब्रत हासिल की यह कहाँ से पता चला ही क्योंकि अल्लाह तहते हैं लिकौली क्योंकि इब्राहिम आलिलाम कहते हैं रबी इन्ना पहली जो दुआ थी वो कौन सी पैंतीस तो इब्राहिम ने जब ये कहा ना कि मुझे और मेरे बेटों को बुतों की इबादत से बचाना उसके बाद ये भी कहा था रबी ए मेरे रब बेशक इन बुतों ने अगलल कथीरा बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है ने कसीर नास बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है तो जब इब्राहिम ने देखा कि बुतों ने एक दुनिया को गुमराह कर दिया शिरक में मुबला कर, कर दिया तो ही इससे मालूम कर दिया तो इब्राहिम ने इबरत हासिल की और अपने लिए और अपनी औलाद के लिए दुआ की कि या ला हमें इस जुर्म से बचाना इस गुमराई से बचाना इससे महफूज रखना तो इससे पता चला कि अक्सरियत को देख कर उनके नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए बल्कि जब आप देखें कि अक्सरियत शिर कर रही है बिदात का इतकब कर रही है तो आप इबरत हासिल करें अल्लाह से दुआ करें या मुझे इस जुर्म से बचा अल अल-आशिरा, दसवा मसला फी ही तफसरू कि इसमें ला की तफसीर है यानी कि इब्राहिम आलाम ने जो ये कहा है कि या मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचा तो इसमें तफसीर है ला ला अला का यही मतलब होता है कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद हक नहीं जहां अल्लाह की इबादत होगी वहां गैर अल्लाह की इबादत का इंकार होगा तावूत की इबादत का इंकार होगा तो इसमें तफसीर होगी ला इला की कि ये जो इब्राहिम इस्लाम ने कहा है यही है मतलब किसका लाला का ला फी ही तफसर इसमें तफसीर है वजाहत है ला की कमाज अकर बुखारी जैसा कि यह बात जिक्र की है इमाम बुखारी ने अलहद ग्यारहवा और आखिरी मसला फजीलत उमन सलीमिन की फदीलत उस आदमी की जो शर्क से महफूद रहा तो उसकी फजीलत कहाँ बयान हुई है ये देख लें आप हदीस जाबर उसका पहला हिस्सा जो अल्लाह से मिले इस साल में कि अल्लाह के सद किसी को शरीक ना करता हो वो कहां जाएगा जन्नत में जाएगा तो ये फजीलत है उस आदमी की जो शिरक से बच गया तो फजीलत फ़दीलत, मन सलीम फदील फदीलत मनसारी रहा महफूद रहा किस से शिरक से तो यह बड़ा अजीम बाप था अजीम आयात अजीम अहादीस और पता चला कि शिरक कितना खतरनाक है मुझे और आपको चाहिए कि अपने आप को अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों को मोहल्लादारों को शिरक के खौफनाकी से ख़तरनाकी से आगाह करें और ख़ुद भी बच के रहें उनको भी बचाने की कोशिश करें और पढ़ें मालूम लें कौन कौन से अखबार शिरक हैं कौन कौन से अमाल शिरक हैं कौन कौन सी आदात शिरक हैं ताकि पता होगा कि ये चीज़ें शिरक है फिर भी बच सकेंगे वरना कितने ही लोग हैं जो शिरकाज कह देते हैं जबकि उनको पता भी नहीं होता कि मैं शिरक कर रहा हूँ अल्लाह ताली हम सब को शर्क से महफूद रखें और इन कल के दरस में मुलाकात होगी किताबुल फ्फवाद के साथ और आप किताबों का काम करें और किताब किताबहीद अपने सामने रखा करें लिखा करें रिश्तेदारों को यह सुनाएं दोस्तों को सुनाएं और ये पैगाम आम करें और इस दर्स में लोगों को शरीक होने की दावत भी दें लिंक उन तक पहुँचाएँ जो शरीक हुआ आपकी वजह से आपको जो सवाब मिलेगा ना शरीक हुआ आपने उसको दावत दी तरगीब दी इस पर अजर स्व मिलेगा वसल तबीना मोहम्मद वाल ही वसाब अजमाइन